शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अमित बेटा, कह दे अपने जोरू से, जब तक इस घर की बहु बेटियों को हम मान मर्यादा ना सिखा दे तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। कह दिया तो कह दिया, समझे? बिंदी चल खाना खा ले, ये ले, व्रत पूरा कर ले। दीदी हमारा मन नहीं अभी। आशी सॉरी, पर हमें पता ही नहीं चला कि खीर में वो छिपकली कैसे आई। सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं दीदी, तू सॉरी मत बोल। हाँ सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मेरे लिए इतना कुछ जो कर रही हो तुम। इतना सब कर रही है पर खाना नहीं खा रही है। भाई अब आप ही खिलाओ इसे, मेरी तो बात मान नहीं रही है। खा लेना, क्या क्या सुनना पड़ा तुम्हें हमारी वजह से। क्या सुनना पड़ा है आशी को? क्या सुनना पड़ा है? उल्टा सुनना तो हमें पड़ा है इसकी वजह से, इसकी लापरवाही की वजह से। जानती थी ना तुम खाना तुम्हें बनाना है, तो फिर निधि से क्यों कहा खीर बनाने के लिए? माँ तुम तो कुछ बोलो ही मत। और अब तुम भी कुछ मत बोलना अमृता। आशी, बेटा खाना खा लो। खा ले बेटा। पापा हम बाद में खा लेंगे। आशी बेटा, तूने इतने सालों में हमारे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज जो तूने किया वो तो हम उसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते बेटा। खाना प्लेट में देखता हूँ कैसे नहीं खाती। खाओ 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 खाओ। ले बेटा अब मेरी टर्न। अरे तू भी आता। अच्छा आपने भिजवा दिए, चलिए ठीक है, थैंक यू, मैं देख लेता हूँ। ओके अमित जी, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो आप? नहीं वो इसलिए थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। अच्छा तो हम अभी आपके लिए। बाबा ये आपके लिए अदरक वाली चाय, दो मिनट में आपका सरदर्द छूमंतर हो जाएगा। काकी माँ? नहीं हमें नहीं चाहिए। बाबा वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। लगता है वो आ गया, हम देखते। नहीं नहीं बाबा आप बैठिए, हम देखते। आशी जी। मामा बेटा वो डाइनिंग टेबल में मेरी फाइल रखी है, वो ले आना जरा। अभी ले। हेलो जी। जी वो अमित ने बुलाया है। जी आई। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, ये पैकेट गुप्ता जी ने भेजा है। हाँ पूरे 10 लाख है। हाँ ठीक है, थैंक यू, अब जा सकते हैं। अच्छा इतना कैश? ये बस जो बोल दिया सो बोल दिया। सब लोग
आँख कान बुद्धि खोल के सुन लो। आशी के साथ सारे रिश्ते तोड़ के इस टिम्पी से तुम्हें ब्याह करना होगा। सिड वी का भाई है और वी नहीं चाहती कि उसकी शादी किसी एलएस से हो, बोले तो लो स्टेटस। लेकिन आशी, तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूटी थी, आज तुम्हारी टूट गई। दादी अब वी खुश हुई, अब तुम्हें पता चलेगा प्यार को खोने का दर्द, उसे खोने का एहसास। बहुरिया, पंडित जी को बुलाओ और इनकी शादी का मुहूर्त निकलवाओ। अम्मा जी, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार आप सोच तो लिया। हमारी सोच पे टोच नहीं है भौरिया, बकत निकल गया है, हमारे घर का चिराग इसके पेट में पल रहा है। अम्मा कैसी बात कर रही हूँ, सिद्ध आशी से प्यार करता है। प्यार के पकोड़े तलेगा? जब बच्चा किसी और से जन रहा है तो जिसका बच्चा उसी के लिए जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी के सामने प्यार के फूल नहीं खिलते, समझे? जिसका जो हक है उसी को मिलेगा। जो बोल दिया सो बोल दिया। आशी, बचपन की शादी को खारिज कर देते हैं और तुम आशी से अपने सारे रिश्ते तोड़ के इस बच्चे की माँ से रिश्ता जोड़ लो। सिद्ध आशी से प्यार करता है? प्यार के पकोड़े तलेगा? जब बच्चा किसी और से जन रहा है। बार हम एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाएंगे और तुम दोनों का पुनर्विवाह करवाएंगे। आशी, I'm sorry. आशी, मुझे नहीं पता। आशी, मुझे माफ कर दो प्लीज। आशी, I'm sorry. आशी, मुझे नहीं पता वो। एक बार कह दो कि ये सच नहीं है। हमारा दिल नहीं मानता कि तुमने डिप्पी के साथ, हमें विश्वास नहीं होता है सेठ कि सेठ वो तुम्हारा बच्चा है। नहीं है ना? बोल दो सेठ, एक बार बस बोल दो, तुम जो कहोगे हम वो मानेंगे। बोल दो सेठ, बोल दो कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं, प्लीज बोल दो सेठ। प्लीज हमें अपना फ़ोन दोगी क्या? हम अपना फ़ोन चार्ज करना भूल गए थे, स्विच ऑफ हो गया। हमें ना अपनी फ्रेंड रचना को फ़ोन करना था।
प्लीज। थैंक गॉड इसे हम पे शक नहीं हुआ। आशी आई एम सॉरी, मैं ऐसे तुम्हारे और सिद्ध के बीच में नहीं आना चाहती थी, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फोन प्लीज। हाँ हम देते। थैंक यू। एक मिनट। हो गई बात रचना से, चलते हैं हम। थैंक यू। दादी जी क्या है? हम आपके लिए कुछ खाने को लेके आए। नहीं हम बेबकत खाना नहीं खाते। और सुन पंडित जी से बात की है तुम्हारे और सिद्ध के शादी के मुहूर्त निकालने के लिए, तेरे माँ और बाबूजी को बुला ले। वापस क्यों आई हो तुम? रिक्शा नहीं मिली क्या? हमें जी एक आखिरी मेहरबानी कर दीजिए, इस पर इसे जाकर छोड़ के आइए। उसकी जरूरत नहीं है बाबा। क्योंकि हम इस घर को, अपने बाबा को, अपने सिद्ध को, अपने ससुराल को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। क्या ये का बकैती है? हाँ ये का डकैती है? जबरदस्ती रिश्तों पे डाका डालने आई है? जबरदस्ती रिश्तों पे कौन डाका डाल रहा है ये तो बाद में पता चलेगा। अभी के लिए हम बस इतना करेंगे कि हम यहीं पे रुकेंगे, हम इसी घर में रहेंगे। देख हम बोल दिए तो बस, बस बोल दिए। ये का बकलोली कर रही है? हाँ दादी हम जो बोल रहे हैं हम सच बोल रहे हैं। हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। किस हक से रहोगी? हाँ हम जो कह दिए सो कह दिए, समझे? कहे थे ना सिद्ध लल्ला और डिम्पी की शादी होगी। अब इस बच्चे को? कौन सा बच्चा दादी? जिस बच्चे के नाम पे अब सिद्ध और डिम्पी की शादी कराने जा रही है, कहाँ है वो बच्चा? इसकी कोख में? इसकी कोख में तो बच्चा तब आएगा ना जब जब इन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा। उस रात की हर बात झूठी थी, डिम्पी की हर बात झूठी थी। दादी जिस जिस बच्चे की दुहाई देके ये सिद्ध की पत्नी बनना चाहती है, उस बच्चे को जन्म देने के लिए जो रिश्ता इन दोनों के बीच में बनना चाहिए था ना, वो रिश्ता कभी बना ही नहीं है। उस रात इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था।